हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पिछले कई क्लासेस में हम सभी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने कुछ नए नए वर्ड्स को देखे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में आते हैं, या स्पेलिंग में आते हैं। बट आपको उन वर्ड्स को जानना बहुत ही आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्ड्स को आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला वर्ड हम लोगों का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज पार्ट फोर की क्लास होगी, तो जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। हम लोगों का पहला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। जैसे आपको हमने बताया था मोनो, ध्यान रखना है मोनो अगर हो तो मोनो का मतलब होता है वन, बाई का बी आई बाई हो तो इसका मतलब होता है दो, और जब कभी भी पॉली अगर वहीं कहीं पे लगा हो तो पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, यानी बहुत, बहु के सेंस में। मीसो का मतलब हेट होता है, फिलो का मीन्स लव होता है, जेनो का मतलब होता है बुजुर्ग ओल्ड, और गाइनो का मतलब होता है लेडी। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको ध्यान रखना होगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास बड़ी आसानी से सही हो जाएगी। तो देखिएगा थेइस्ट मतलब होता है, या थियो मतलब होता है गॉड। तो देखना है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ही एक ईश्वरवाद का प्रचारक हो, यानी वो कहे कि ईश्वर एक है, तो एक ईश्वरवाद वाले व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोनोथेइस्ट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर एक है इस धारणा में विश्वास करता हो, वह सब जगह व्याप्त है, दैट पर्सन इज कॉल्ड मोनोथेइस्ट, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। आपको हम बताए थे पॉली का मतलब मेनी होता है, तो जब पॉली वर्ड लिखा हो, पॉली मतलब होता है बहुदेववाद या बहु ईश्वरवाद, तो हो जाएगा हम लोगों का पॉलीथेइस्ट, ऐसा पर्सन जो ईश्वर बहुत है ऐसे धारणा करता हो, उसको पॉलीथेइस्ट कहते हैं। ईश्वर एक है ऐसे धारणा करने वाले व्यक्ति को मोनोथेइस्ट कहते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड उसको कहते हैं थेइस्ट, मतलब नास्तिक, वो गॉड में और गॉड के अस्तित्व में यकीन ना करे। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एंड गॉड एंड यूनिवर्स आर द सेम, यूनिवर्स आर द सेम मीन्स व्हाट। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे तन में है, हमारे मन में है, हमारे चीजों में है, हर जीव में है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पैनथेइस्ट। आपको हमने बताया था पैन मीन्स होता है ऑल या होल। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर सब जगह अस्तित्व, ईश्वर का विद्यमान है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग पैनथेइस्ट कहते हैं। मतलब कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स दैट भाग्य, फेट मतलब भाग्य। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे कर्मों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। जैसे फैटल, अगर FATAL हो फैटल, तो होता है प्राण घातक बीमारी, कॉज ऑफ डेथ। तो फैटल अगर FATAL कहीं हो तो उसका मतलब होता है प्राण घातक बीमारी या जानलेवा बीमारी। लेकिन जब फेट की बात है FAT, तो उसको मतलब हम लोग कहते हैं भाग्य या डेस्टिनी। तो ऐसे व्यक्ति को जो ये सोचे कि हर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, किस्मत में जो लिखा होगा होगा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग फैटलिस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, यानी भाग्य में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट है वन हू बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। जैसे आपने सुना होगा कि खाओ पियो और इंजॉय करो। एक ऐसा व्यक्ति जो भूत वर्तमान भविष्य को ना सोच करके बस जो मिल गया उसी को एंजॉय कर रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं सोच रहा है कि भविष्य के लिए कुछ सिक्योर हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, एंजॉय करने में विश्वास रखता हो, उसके लिए प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है आनंद, खुशी, एंजॉय करना। एक ऐसा व्यक्ति जो एंजॉय करने में यकीन रखता हो, उस व्यक्ति को हम लोग हेडोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वन हू बंक्स द क्लास विदाउट परमिशन, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट नोइंगली नोइंग। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए क्लास बंक कर जाता हो, एक ऐसा बच्चा, ऐसे विद्यार्थी को हम लोग कहते हैं
ट्रांट। ट्रांट मीन्स होता है ऐसा बच्चा जो क्लास बार बार मिस करता हो, ऐसे बच्चे के लिए ट्रांट वर्ड यूज होता है। TRUANT ट्रांट या ट्रांट भी कह सकते हैं। वन हु बिट्रेड वन, एक ऐसा व्यक्ति जो सबको धोखा देने में विश्वास करता हो, सबके साथ चीटिंग करता हो, उसके लिए ट्रेटर वर्ड यूज होता है। वैसे तो कॉमनली हम लोग चीटर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज की बात करें तो वन हु बंक्स द क्लास तो ट्रांट हो जाएगा, वन हु बिट्रेड वन तो ट्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु ईट्स वेजिटेबल, इसके बाद है हर्बेसियस ट्रांट, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो वनस्पति खाता हो, वनस्पतियों में विश्वास करता हो, यानी शाक सब्जियां खाता हो, शाकाहारी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग हर्बी वरस करते हैं। देखिए वेजिटेरियन, हर्बी वरस, ओमनी वरस, इन सब में अंतर होता है। ओमनी मीन्स होता है ऑल, तो अब आपने ध्यान दिया होगा ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी वरस, तो ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी वरस का मतलब ओमनी मीन्स होता है ऑल, तो इसका मतलब क्या, सर्वशक्तिमान, तो ओमनीपोटेंट हो जाएगा। पोटेंट मतलब पोटेंशियल से बना है या पावर से बना है, तो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट मतलब होता है ज्ञाता या आप कह सकते हैं सर्वत्र, सर्वज्ञ, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानने वाला हो। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सब जगह विद्यमान, सर्वत्र, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर सब कुछ खाए, वन हु ईट्स एवरीथिंग, अगर ऐसे लिखा हो तो ओमनी वरस होता है। वी आर वर्स मतलब होता है खाने से संबंधित, और ओमनी मतलब ऑल, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, सब जगह उपस्थित रहने वाला, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान, एक ऐसा जैसे हम लोग ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो गॉड इज ओमनी पोटेंट, पोटेंशियल से। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र यानी सब जगह विद्यमान, वैसे ओमनी वरस होता है, ओमनी वरस मतलब सब कुछ खाने वाला, ह्यूमन फ्लैश भी खाए और एनिमल्स को भी खाए और वेज को भी खाए, तो उसको हम लोग ओमनी वरस कहते हैं। लेकिन सिर्फ वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हर्बी वरस कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं हर्बल, हर्बल आपने सुना है, हर्बल से हर्बी वरस। नेक्स्ट है वन हु स्टील्स अदर्स आइडियाज एंड वर्ड्स, उसको क्या कहते हैं, दूसरों के आइडियाज एंड वर्ड्स को चुरा करके अपना ध्यान देने वाला, अपना नाम देने वाला प्लागियरिस्ट कहलाता है। प्लागियरिस्ट मतलब होता है साहित्य चोरी करने वाला, उसको प्लागियरिस्ट कहते हैं। अगला है वन हु कैन इजिली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दे दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गुलीबल। गुलीबल मतलब होता है भोला वाला भी हम लोग कह सकते हैं, तो गुलीबल, क्रेडुलस भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है, तो गुलीबल और क्रेडुलस धोखा से। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, अब देखिए करेक्ट से आप कैसे कोरिलेट करेंगे, इनविंसिबल, इनकरेक्टिबल, इनकॉरिजिबल, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, लेकिन आपको समझना होगा करेक्ट से, CORRECT, करेक्ट से करेक्टिबल बना है, तो इनकरेक्टिबल मतलब असुधारी, जो सुधार ही ना सके उसको असुधारी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए इनकॉरिजिबल वर्ड यूज होता है, एग्जाम में बार बार आया है। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, वाई मतलब दो होता है आपको बताए थे, और पॉली मतलब होता है बहुत, मोनो मतलब होता है एक, तो मोनोलिंगुअल को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, एक भाषा बोलने वाला, बाइलिंगुअल को कहेंगे दुई भाषा बोलने वाला, पॉलीलिंगुअल को कहेंगे बहुभाषी, जैसे राजा राम मोहन राय थे, बहुत सी भाषाएं उनको आती थी, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुभाषी वर्ड यूज होता है। इसके बाद हम लोगों का वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज या इजिली, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को बड़े आसानी से यूज करे। आपको हमने बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एमबी यूज होता है, एमबी डेक्स्ट्रस, और हमने ये भी बताया था कि एमबी मतलब होता है दो या दोनों, एमबी वर्ड आपको बताया गया था, एमबी डेक्स्ट्रस, तो इसका मतलब था दोनों हाथों को एक साथ यूज करने वाला। वन हु कलेक्ट्स कॉइंस, न्यूमिस्मेटिक्स बार बार एग्जाम में आया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइंस को या मेटल्स को इकट्ठा करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए को कहते हैं मुद्रा शास्त्री, एक बार हो भी चुका है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। नेक्स्ट है ध्यान देना होगा वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, सबसे पहले डिक्शनरी का प्रयोग डॉक्टर जॉनसन ने किया था, जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहली बार डिक्शनरी का कलेक्शन किया था और उसको डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति
जो डिक्शनरी को लिखता हो ऐसे व्यक्ति को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेक्सिकोग्राफर एग्जाम में बार बार आया है कि जो डिक्शनरी लिखता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु यूज एवरीथिंग, अभी आपको बताया गया ओमनिवरस। ओमनिवरस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाए, ऐसे व्यक्ति के लिए ओमनिवरस यूज होता है। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, अभी परसों एग्जाम हुआ है उसमें आया था, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करे, या एक ऐसा सिपाही जो युद्ध में पैसे के लिए लड़े, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग मर्सेनरी यूज करते हैं। मीन्स वो कोई भी कार्य करेगा तो न जीत के लिए, न हार के लिए, न एंजॉय के लिए, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कार्य करेगा, ऐसे व्यक्ति को मर्सेनरी कहते हैं। MERCENARY मर्सेनरी मीन्स होता है पैसे के लिए काम करने वाला। वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी या हिज मोटिव फॉर मनी। वन हु लव्स मैनकाइंड फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। एंथ्रो मतलब होता है पर्सन और फिलो मतलब होता है लव करना, तो मानव जाति से प्रेम करने वाला, लव करने वाले को हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो हेट्स मतलब मीजो होता है और एंथ्रो मतलब पर्सन। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिज़ैंथ्रोपिस्ट, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिज़ैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, ह्यूमन काइंड से नफरत करे। आप आतंकवादी को इस सेंस में ले सकते हैं, मानव जाति से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट, और मानव जाति से प्रेम करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सबकी मदद करे, ऐसे व्यक्ति के लिए अल्ट्रिस्ट यूज होता है। अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, ऐसे व्यक्ति के लिए फिले क्या होता है, फिलैटेलिस्ट मतलब जो स्टैम्प्स और कलेक्ट करने का शौकीन हो, या कॉइन कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प कह सकते हैं, उसको कलेक्ट करने का शौकीन हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फिलैटेलिस्ट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्सन हु बिलीव्स गॉड इज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो ये समझे कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान सब जगह है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बैंक थेइस्ट। बहुत अच्छी अच्छी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। बैंक थेइस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहे गॉड इज एवरीथिंग, मीन्स हर जगह ईश्वर है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीथिंग, ईश्वर ही सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर ही सब कुछ है कहे, उसको क्या कहेंगे, बैंक थेइस्ट। पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, आपको मिला था दो वर्ड, एक अ पर्सन हु कह सकते हैं हैप्पी बट इन डिफिकल्ट, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं फास्टिडियस, मीन्स बड़ी मुश्किल से खुश हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट ही रहे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ भी कर दो लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, वे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, हर बात में दुखी होंगे, उनके लिए माल कॉन्टेंट एक वर्ड आपको बताया गया था, आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे आपका माल कॉन्टेंट मतलब होता है कि आप कह सकते हैं ऑलवेज डिससेटिस्फाइड पर्सन, हमेशा असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को माल कॉन्टेंट कहते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से प्रसन्न हो जाना, बड़ी मुश्किल से खुश होना, मीन्स व्हाट, आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़े लेकिन वो मान जाए, फाइनली वो खुश हो जाए, तो उसके लिए कहते हैं हम लोग फास्टिडियस। लेकिन कभी ना असंतुष्ट, कभी संतुष्ट ही ना हो, माल कॉन्टेंट। पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस वेटरन होता है, वेटरन मतलब होता है, या वार्टन भी कह सकते हैं, वेटरन मतलब अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। लेकिन अगर अनुभव ना हो तो नोविस कहा जाएगा या इन एक्सपीरियंस्ड कहा जाएगा, वेटरन का अपोजिट है। पर्सन हु लव्स नेचर, उसको कहते हैं एस्थेट। एस्थेट मतलब होता है जो नेचर में विश्वास करे, उसको एस्थेट कहते हैं। एस्थेट मतलब होता है नेचर में विश्वास करने वाला, नेचर को प्यार करने वाला, नेचर को मानने वाला। आपने एस्थेटिक मूवमेंट देखा होगा, एस्थेटिक मूवमेंट में आप देखते हैं सौंदर्य शास्त्र को कहते हैं। पर्सन विदाउट मैनर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैनर ही ना हो, है ना, तो उसके लिए क्या यूज है, रस्टिस। रस्टिस है, सेवेज है, अनसिविलाइज्ड है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है। वो है नो मैनर्स, जिसके पास मैनर ही ना हो।
नेक्स्ट है पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, हिस्ट्री में इसके लिए पांडुलिपि वर्ड यूज होता है। पांडुलिपि वर्ड जब भी आए तो उसके लिए हम सभी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हस्तलिखित लेख भी कह सकते हैं या हस्तलिपि कह सकते हैं, लेकिन आपको मैन्युस्क्रिप्ट समझना होगा। मतलब मैनुअल मीन्स होता है मानवीय या बाई मैन, तो मैनुअल बताने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट की बात जब भी हो तो उसके लिए हम लोग कहेंगे व्यक्ति की हैंड राइटिंग से लिखा लेख। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि इतिहास में जो भी इतिहास लेखन है वो पहले शुरुआत में हाथों से लिखा जाता था, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि कह सकते हैं, हस्तलिखित लिपि भी कह सकते हैं। स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ चर्च इन विच बेल्स आर हैंग। एक ऐसा स्थान जो चर्च का एक पार्ट हो जहाँ पर चर्च की बेल टांगी जाए, वहाँ उस स्थान को हम लोग बेल्फ्री कहते हैं। तो देखिए, आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। इवनिंग प्रेयर हो, मॉर्निंग प्रेयर हो, तो मॉर्निंग प्रेयर हो, इवनिंग प्रेयर हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्टिन। तो मार्टिन मीन्स होता है मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। पेपर रिटन इन हो गया पार्ट्स ऑफ चर्च इन विच बेल्स आर हैंग, तो उसको बेल्फ्री कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर वुमेन ड्वेल एंशिएंट टाइम। आपने अगर मुगल काल का इतिहास पढ़ा होगा तो मुगल काल में अकबर के समय में हरम दल हुआ करता था, जिसकी दो वर्ष के लिए पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है महामनगा की सरकार को। तो आपने देखा होगा वहां पर एक वर्ड यूज होता है हरम। हरम किस लिए यूज होता है? हरम वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है जो अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है। अंग्रेज लिखते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, तो पेटीकोट गवर्नमेंट भी इंग्लिश वर्ड है। महिलाओं का शासन, तो पेटीकोट गवर्नमेंट, और जहाँ पे महिलाएं रखी जाती थी प्राचीन समय में, उसकी मुखिया भी महिला होती थी और महिलाओं की सेवा के लिए भी महिलाएं ही रहती थी, पुरुषों का प्रवेश वहाँ नहीं होता था। और अगर महिलाओं की सेवा करने के लिए नौकर की बात हो तो नौकर यूनक रखे जाते थे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थान के लिए जो एंशिएंट टाइम में सिर्फ महिलाओं के लिए था, उसके लिए हरम, हरम वर्ड यूज होता है। हरम, लेकिन स्पेलिंग करें कहेंगे आप तो हरम HARM, लेकिन वैसे हिंदी में तो हरम कहा जाता है HARM। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट। आपने सिगरेट पीते हुए किसी को भी देखा होगा, तो जब वो सिगरेट पीते हैं तो जो लास्ट का धुआं हवा में उड़ता है उसको स्टब कहते हैं, STUB, मतलब लास्ट रिमेनिंग सिगरेट, उसको स्टब कहते हैं। और जो सिगरेट पीने के बाद जो छोटा सा पार्ट बचता है, जिसको लोग कई बार मैंने देखा है पैरों से उसको रौंद देते हैं और उसकी आग बुझा देते हैं, तो वो पार्ट और जो धुएं में उड़ जाता है उसको भी स्टब कहते हैं, ठीक है। लास्ट स्मोक भी कह सकते हैं, और जो सिगरेट का छोटा टुकड़ा बचता है उसको भी स्टब करते हैं। प्लांट्स एंड वेजिटेरियन, तो प्लांट्स है PLANTS, तो प्लांट्स चलेगा, तो प्लांट्स एंड वेजिटेरियन यानी कि जहाँ पे वनस्पतियां हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, वहाँ के एरिया को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको फ्लोरा कहा जाता है। फ्लोरा मतलब वनस्पति बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हो उसको फ्लोरा कहते हैं। लेकिन जहाँ पर जानवरों का बाहुल्य हो, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, उसको फौना कहते हैं। तो फ्लोरा और फौना ये साइंटिफिक लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे वनस्पतियों का बाहुल्य होगा उसको फ्लोरा कहेंगे। फ्लावर से आपको रिलेट कर सकते हैं, और जहाँ पर वनस्पतियों का बाहुल्य न हो करके एनिमल्स की बात कही जाए, वहाँ के लिए हम सभी यूज कर सकते हैं। वहाँ के लिए हम सभी क्या यूज कर सकते हैं? वहाँ के लिए हम सभी फ्लोरा और फौना में से, एनिमल बाहुल्य हो तो फौना, और फ्लावर से कोरिलेट करके पढ़िएगा कि प्लांट्स और वेजिटेरियन, तो वहाँ पे हो जाएगा हम सभी का फ्लोरा। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब अगर आप ऐसे समझें, जब भी चुनाव होने वाला रहता है तो एक लंबा चौड़ा
लेख लेकर के कोई भी नेता आएगा और वो बोलेगा हमारी सरकार होगी तो हम ऐसे ऐसे हम आपको इतना रोजगार देंगे, इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करेंगे, इतना हम सुख सुविधाएं मुहैया कराएंगे, इतना हम स्कूल खुलवाएंगे, इतना महिलाओं के लिए कार्य करेंगे। तो ये वो जो एक लेख लेकर के आते हैं उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। मैनिफेस्टो मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव के का लेख, जिसके बल पर चुनाव जीता जाता है, जिसको दिखा करके चुनाव जीता जाता है, उसके लिए मैनिफेस्टो वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ वन मैनेज। आपको हमने बताया था मोनो मतलब वन होता है, तो मोनो गेमी, और गेमी मतलब होता है विवाह, तो गेमी मतलब होता है मैरिज, और मोनी मतलब है एक। विवाह प्रथा क्या कहलाएगी? मोनोगेमी। दुई विवाह प्रथा तो आपको हमने बताया था, बाई मतलब होता है दो, तो बी गेमी कहलाती है। प्रैक्टिस ऑफ मेनी वाइव्स, जब कोई व्यक्ति बहुत सी पत्नियां रखे तो ऐसे व्यक्ति को पॉलीगेमी कहते हैं। पॉली मतलब होता है बहु, और गेमी मीन्स विवाह, तो बहु विवाह के लिए पॉलीगेमी वर्ड यूज होगा। लेकिन एक ऐसी महिला जो मोर देन वन हस्बैंड रखे, जैसे कई सारी जनजातियां हैं उसमें ऐसी प्रथा है कि एक महिला के साथ कई सारे, एक महिला कई सारा विवाह कर सकती है। हम अगर इतिहास पढ़े तो हम सभी एक द्रौपदी की कहानी भी सुनते हैं कि उनके पांच पति थे। तो ऐसी प्रथा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाएगी? पॉली एंड्री कहलाएगी। एंड्री मतलब होता है मैन, तो पॉली मतलब बहुपति प्रथा, तो पॉली एंड्री, और बहुपत्नी प्रथा पॉली गेमी कहलाती है। बार बार एग्जाम में आया है, आप वर्ड पे नहीं जाएंगे, आपको लर्न करना है विद स्पेलिंग, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ रीमैरिज, पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह को डी गेमी कहते हैं। तो मोनोगेमी मतलब एक विवाह, बी गेमी मतलब दुई विवाह, पॉली गेमी मतलब बहुविवाह, और पुनर्विवाह को रीमैरिज को डी गेमी कहते हैं, डी आई जी एम वाई। ओके, नेक्स्ट है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक तो ना हो लेकिन किसी धर्म में विश्वास न करता हो। अगर नास्तिक होगा तो एथेइस्ट होगा, यानी वो ईश्वर में विश्वास ना करे, ईश्वर में विश्वास करे लेकिन किसी धर्म का ना हो। जैसे आप कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर मानता हो, जैसे आप इस समय कह सकते हैं दलाई लामा, तो दलाई लामा एक ऐसे व्यक्ति है जिसको कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है। तो वे तिब्बत के तो रहने वाले थे और धर्म अनुयायी वो बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन पूरे संसार में वे घूम घूम करके अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे दुनिया को, यूनिवर्स को अपना घर मानता हो, समान प्रेम सब देश को करता हो, किसी एक पर्टिकुलर धर्म, किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश के मुंह में ना बधाओ, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मस मतलब होता है ब्रह्मांड, और पोलिटन मतलब होता है वादी, तो ब्रह्मांडवादी मतलब पूरे संसार को अपना घर समझने वाला। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म का ना हो, किसी भी धर्म में विश्वास ना करे, तो उसको कहते हैं पैगन, पी ए जी एन, पैगन मतलब होता है विधर्मी, मत कहिएगा विधर्मी मतलब होता है, विधर्मी मतलब धर्म का अपमान करने वाला। यहाँ पे ये है कि धर्म का सम्मान तो करे लेकिन किसी धर्म का ना हो, किसी धर्म में विश्वास न करे, सभी धर्मों को अपना मानता हो, ऐसे व्यक्ति को पैगन कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु लव्स नेचर, अस्थेत आपको एक बार मिला ही है। नेक्स्ट है पर्सन हु मेक लव फॉर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है आनंद, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को हमेशा प्रेम के लिए इंजॉय करने के लिए करे, तो उसको फिलैंडरर कहते हैं, मतलब प्रेम करे लेकिन किसके लिए, सीरियस ना करे, इंजॉय करने के लिए करे, आनंद लेने के लिए करे, मनोरंजन करने के लिए, तो हो जाएगा फिलैंडरर। फिलैंडरर मतलब होता है आनंद के लिए किसी से प्रेम करने वाला। पर्सन हु इज इजिली बिलीव्ड अदर्स, गुलीबल अभी आपने पढ़ा, गुलीबल के स्थान पे आप क्रेडुलस भी पढ़ सकते हैं, क्रेडुलस है ये सी आर ई डी यू एल ओ यू एस, क्रेडुलस मतलब होता है विश्वास पात्र या भोला भाला, या कह सकते हैं कि आसानी से विश्वास करने वाला। पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली ड्रेसिंग, तो क्या हो जाएगा? हिप्पी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जो क्या हो, पर्सन हु इज अगेंस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाफ हो, किसके खिलाफ हो, ऑर्डिनरी सोसाइटी, सामान्य समाज के खिलाफ हो, स्पेशली ड्रेसिंग, पहनावे ओढ़ावे को लेकर के विशेष करके, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हिप्पी वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, एच आई डबल पी वाई, हिप्पी, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम,
यानी क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी व्यक्ति अपना दोष मढ़ दे, कहते हैं उसको बलि का बकरा बन जाना। तो बलि का बकरा के लिए स्केट गोट यूज होता है, अपना दोष किसी और पे ढाल करके उसी को फंसा देना या उसी व्यक्ति को अपनी दोष का अपना इल्जाम बढ़ देना और वही पकड़ा जाए, वही पनिशमेंट मिले उसी को। तो स्केट गोट मतलब होता है बलि का बकरा, ध्यान रखिएगा। वन हु वॉन्ट्स टू सी अदर्स अनहैप्पी, बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक ऐसा व्यक्ति जो सबको दुखी देना देखना चाहता हो। सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो सबको दुख देना चाहते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड है, किसी को रुला देंगे, किसी का सामान छीन लेंगे, किसी को दुखी कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए होता है सैडिस्ट, मतलब दूसरों को दुख दे करके वो प्रसन्न होंगे, ऐसे व्यक्ति को सैडिस्ट कहा जाता है। टेररिस्ट उसी में आ सकते हैं। वन हु वांट्स टू सी अदर्स अनहैप्पी, जो दूसरे को हमेशा दुखी देखना चाहता हो तो सैडिस्ट कहते हैं। दुखवादी यानी दुख देने में विश्वास करने वाला। पीपुल इन राउडी सीन रेबल कहलाता है, मतलब भगदड़ आप कह सकते हैं या कह सकते हैं उथल पुथल होना, अफरा तफरी होना, ऐसे सीन को हम लोग कह सकते हैं, ऐसे वर्ड के लिए हम लोग कह सकते हैं राउडी सीन रेबल। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेल कॉन्टेंट मतलब होता है जो अनसैटिस्फाइड पर्सन, और अनुभवी व्यक्ति को वेटर कहते हैं, कम अनुभवी कोई इन एक्सपीरियंस या हम लोग कह सकते हैं नोविस, और अगर एक भाषा बोले तो मोनोलिंगुअल, दुई भाषा बाईलिंगुअल, पॉलीलिंगुअल, बहुत भाषा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है, थियो मतलब ईश्वर होता है, और आप आईएसटी लगा हो तो उसको पर्सन कहेंगे, लॉगी लिखा हो तो अध्ययन होता है, फिलैंड या फिलो लिखा हो तो लव होता है, मीजो लिखा हो तो हेट होता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, मैनू लिखा हो तो मैनुअल होता है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है। बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे, देखिएगा। अगर मोनो लिखा हो तो एक होता है, गेमी मतलब विवाह होता है। तो आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ लर्न करेंगे तभी हमको लर्न होगा, कुछ आप अपने हिसाब से ट्रिक्स भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि कई बार चीजें मीनिंग की वजह से और आसान हो जाती है, और आसान होने की वजह से आपको लर्न हो जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। गॉड्स इन स्ट्राइक ऑन अ टॉम्ब, टॉम्ब मीन्स आप जानते हैं कब्र होता है, तो कब्र पर लिखा हुआ लेख, इसको हम लोग समाधि लेख भी कहते हैं। किसी के कब्र के ऊपर खुदाई करके कुछ लिख देना, या कब्र पर ही कब्र के ऊपर बोर्ड लगा देना, कुछ भी हो आप कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समाधि लेख, जिसको वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब इपिटाफ कहते हैं। इपिग्राम, इपिटाफ, इपिग्राफ अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इपिग्राफ क्या होता है? इपिग्राफ मतलब होता है सूक्ति कथन। जैसे आपने देखा होगा कि कह सकते हैं आप सठे साठ्यम समाचारे, ठीक ना, या कह सकते हैं संस्कृत में, और कोई ऐसा कथन जो किसी भी बुक को पढ़ने के पहले ही लिखा हो, वर्क इज वर्शिप। तो वर्क इज वर्शिप क्या है? ये इपिग्राफ है। इपिग्राफ मतलब होता है एक ऐसा कथन जो सूक्ति कथन हो, उसको इपिग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन अ टोम्ब, टोम्ब हो तो इपिटाफ होता है, इपिग्राम, इपिग्राफ, इपिटाफ, कुछ अलग अलग होते हैं वो। अगला है वर्क विच इन्वॉल्व्स टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, तो टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज या फॉर्मेलिटीज को रेड टेपिज्म कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है लाल फीता शाही, जब ऐसे वर्ड की बात हो तो उसको रेड टेपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइट में कॉज डेथ, मतलब कॉज ऑफ डेथ फैटल होता है, फैटल मीन्स होता है प्राण घातक, लेकिन अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट हो तो फैटलिस्ट हो जाएगा, इसका मतलब भाग्यवादी आपको बताया गया है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभावात्मक भाषण दे, भड़काऊ भाषण भी कह सकते हैं आप। अगर आपको याद होगा तो आपने हिटलर की का नाम सुना होगा, हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना उसको बात करने की, उसको स्पीच देने की इतनी अच्छी कुशलता थी कि उसके स्पीच से लोग एनर्जेटिक होकर के
लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते थे। रानी एलिजाबेथ जो इतिहास में थी उनके पास भी बहुत अच्छी बात करने की वाक्पटुता थी, बहुत अच्छे से वो अपने सेना को मोटिवेट करती थी। और आपने अगर सुना हो तो बाबर को भी आप जानते हैं कि बाबर भी अपनी सेना में नई ऊर्जा भर देता था अपने स्पीच से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इफेक्टिव स्पीच बोल देने की कला हो कि हर व्यक्ति फिर से एनर्जेटिक हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं, ऐसी कला को इलोक्यूशन कहते हैं। इलोक्यूशन मतलब बात करने की, भाषण देने की एक अच्छी कुशलता। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लेजिटिमेट कहते हैं, और अगर होगा इलीगल सम तो इलेजिटिमेट कहते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, टेलीपैथी कहलाता है, दूसरों के मन को पढ़ लेने वाली कला टेलीपैथी कहलाती है, दूसरे की मन की बात को समझ लेना टेलीपैथी कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बैठ करके ये प्रोफेशन एक बना लिए हैं कि मन की बात पढ़ करके आपको बताते हैं। आई डोंट बिलीव होता है कि नहीं होता, मैं नहीं ऐसा कुछ कहूंगी, लेकिन टेलीपैथी उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि दूसरों के विचारों को पढ़ने की शक्ति या कला कहलाती है टेलीपैथी। साइंस ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी बार बार एग्जाम में आया है, मतलब चिड़िया को पक्षियों को पढ़ने का विज्ञान ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सॉन्ग संग एट बरियल मतलब क्या, जब दाह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, उस समय जो सॉन्ग गाया जाता है ऐसे के लिए हम सभी यूज करते हैं डर्ज। डर्ज मतलब होता है अंतिम संस्कार होते समय जो गीत गाए जाएंगे उसको डर्ज कहा जाता है। एलिजी और डर्ज में डिफरेंस है, एलिजी मतलब होता है किसी की याद में उसकी बड़ाई और उसकी बुराई लिखना, तो इसके लिए एलिजी यूज होता है, मृत व्यक्ति की याद में उसके उससे संबंधित कुछ लिखना एलिजी है। जैसे आपने देखा होगा लीसी दास एक एलिजी है, इंटरमीडिएट में सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे का, वे अपने पूर्वजों को याद करके लिखते हैं, तो ऐसी रचना एलिजी कहलाती है। लेकिन जब वह व्यक्ति अंतिम संस्कार के अवस्था में हो, फ्यूनरल के टाइम पे हो, तब अगर उसके बारे में कोई गीत लिखी या गाई जाए तो उसको डर्ज कहते हैं, दोनों में अंतर है। शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, आनंद के लिए ऐसे टहलना, आनंद के लिए ऐसे घूमना या एक्सरसाइज के लिए टहलना, उसको स्ट्रोल कहते हैं, लेकिन शॉर्ट हो यानी कम समय में हो स्ट्रोल कहलाता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा इवनिंग वॉक कह सकते हैं या शॉर्ट वॉक आफ्टर लंच, लंच के बाद डिनर के बाद जो शाम को लोग चलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको भी स्ट्रोल कहा जाता है, इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है स्पीच बाई एन एक्टर ऑफ द एंड ऑफ द प्ले, कई सारे प्ले ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी एक्टर अंत में आकर के उस प्ले के या उस रचना के बारे में ऐसे हुआ वैसे हुआ अब जाकर के उसका क्या फ्यूचर होगा, कुछ ऐसी बातें जो फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड कुछ भी ऐसे बोले और आपको एक संतोषजनक बात बता दे अपनी स्टोरी के संबंध में, उसको इकोलॉग कहते हैं। इकोलॉग मतलब होता है इपीलॉग कहते हैं उसको, अंत में बोला जाए, और अगर प्रारंभ में बोला जाए तो उसको हम लोग प्रोलॉग कहते हैं, प्रीफेस हो तो प्रोलॉग होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको हर क्षेत्र से संबंधित अच्छी अच्छी बातों की जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से नोट करिएगा, लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। थैंक यू।